शांति। आज 21 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा योग के ऊपर बच्चों का अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहे कभी कभी एकांत में बैठो, बगीचे में चले जाओ, बाबा के साथ मीठी मीठी रूहान करो, अपनी डायरी रखो, उसमें बहुत सुंदर बातें बाबा के साथ जो रूहान करते हैं वो लिखो, और इस तरह से बाबा कहे चार्ट रखो अपना। तो बहुत सुंदर बाबा ने युक्तियां बताई है कैसे याद को निरंतर अनुभव कर सके या ये प्रैक्टिस करे कि योग नेचुरल हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। कल बाबा ने कहा था कि तुम सब हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। वो भी कैसी? स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तो आज जैसे बाबा की मुरली उसी से आगे कंटिन्यू है, तो बाबा कहे मिलिट्री को आर्मी को हमेशा सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं, भगवान वाच है ना। मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, कौन समझा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे यह बात पहले समझकर फिर निश्चय करनी होती है, फिर अतींद्रिय सुख में भी रहना है, आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है बच्चे को, कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही, वो ज्ञान का सागर है।
किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं बाबा, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर वन भूल। नाबक कहे सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर वन भूल। परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाना का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम ही भगवान है। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। बाबा कहे यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी, किनको होगी? जो बातें बाबा समझाते हैं ये सब धारण करने की बातें हैं, लेकिन धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कर्म कांड की क्रियाएं उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। बाबा कहे इतनी मतें हैं दुनिया में तो बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। कितने तूफान आते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। दो तीन वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा अर्थात टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है। रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी नहीं है। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है और कोई की बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात बाप समझाते हैं
कहां भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय। निश्चय बुद्धि बनने के लिए पहचान एक्यूरेट चाहिए, तो इसीलिए बाबा कहे कहीं भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा जो बातें बताएंगे सत्य ही बताएंगे, तो इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। क्वार्टर परसेंट भी चार्ट नहीं रखते हैं, बाबा रिजल्ट भी साथ में सुना देते, क्वार्टर परसेंट भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूं, बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता मिल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा ना निकल आए, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय याद करते हो। लौकिक बाप को स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। बाबा कहे लौकिक बाप को अपनी स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे, यह है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता समझा जाता है, इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। लक्ष्मी नारायण ने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विथ ऑनर हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। बाबा कहे सेल्फ एनालिसिस करो कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाला इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुष को सहज है, कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है, कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल को,
एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। शुरू शुरू में तो साकार बाबा के पास जाकर पर्सनल डायरेक्शन राय भी बाबा से लेते थे। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, यह है डेड साइलेंस। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, यह है बाबा कहे डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा एकदम शरीर के भान से अलग हूं। यह शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है, भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उनों को तो सतयुग में आना ही नहीं है, वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज, आंखें हैं बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रिय को चंचलता में आना नहीं है, वहां कर्मेंद्रिय में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। द्वापर में देह अभिमान में जैसे जैसे आते गए तो सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता। जितना जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है, मेहनत क्या है, देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। आत्मा की ये कर्मेंद्रिय के साथ अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। जब यह लड़ाई बंद होगी, कर्मातीत होंगे, तो वो लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है। सिर्फ बाप का परिचय देना है, हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते।
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके, लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही यह स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। बाबा कहे इसलिए सबसे पहले बाप का परिचय स्पष्ट होना चाहिए। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं। और कहते भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम युग पर आता, मैं हूं ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा, मैं आता ही हूं पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहां बनते हो, लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहां तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवंत की डेट भी जरूर डालनी चाहिए। यहां तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती है। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में राजाई होगी, नंबर वन जन्म से हमारी राजाई होगी। यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहां से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सत्युग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरों के महल है, भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहां से आया। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में है। इनको अर्थात देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है, इनमें 5 विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की और देही अभिमानी स्थिति। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है।
याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, अपना चार्ट जरूर रखना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त। निर्णय शक्ति चाहिए और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नव्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, माया का कुछ भी नहीं चलेगा, पेपर टाइगर बन जाए। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।